ए क्लासेस फिरोजाबाद में है। हमारा चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे हैं। उसी कड़ी में क्वेश्चन है CrNH3+3 इज पैरामैग्नेटिक व्हाइल NiCN4-2 इज डायमैग्नेटिक, एक्सप्लेन व्हाई। क्या क्वेश्चन का मतलब हुआ? कह रहा है ये वाला आयन पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक का मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जो ये वाला आयन है ये डायमैग्नेटिक है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। कह रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात को आप एक प्रॉपर तरीके से समझाइए कि एक पैरामैग्नेटिक है और दूसरा डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना और डायमैग्नेटिक का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना होना। इसके लिए कुछ खास नहीं करना, आपको वीबीडी थ्योरी लगानी है ना, वीबीडी थ्योरी लगा के देखिए और किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसमें नहीं है, जिसमें होंगे वो पैरामैग्नेटिक, जिसमें नहीं होंगे वो डायमैग्नेटिक लगाते हैं। तो देखो पहला हमने लिया CrNH3+6, तो लिया स्टार्ट करिए CrNH3+3। इसकी नेचर कैसी बता रहा है? पैरामैग्नेटिक। आपको थ्योरी कौन सी यूज करनी है? आंसर VBT, क्रोमियम का नंबर 24 लगाइए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना, 4s1 3d5। एक्सेप्शन होता है क्रोमियम, 4s1 3d5। ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए यहां से Cr का, +3 आ जाएगा। करेंगे Cr को क्या मानना, x 6 अमोनिया का 0 इक्वल टू +3, तो Cr इक्वल टू +3, तो ये हो गया 4s0 3d3। ये सही है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया, दो यहां से गए। अब डायग्राम बनाएंगे कंपलसरी में, किसका, 3d का, 4s का, 4p का और 4d का। ये क्या है, 3d 4s 4p 4d। अब जरा बताओ 3d में कितने हैं, 3। लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो लिगेंड कितने हैं, 6। हाइब्रिडाइजेशन d2sp3, लिगेंड 6 है, स्ट्रॉन्ग है, तो हाइब्रिडाइजेशन d2sp3, और इन्हें पेयर करके चलेंगे 1 2 3। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा कराना है, d2, देखो इसको मिटा लें जगह बना के, sp3 चेक करो, d2 sp1 p2 p3, ये भर दिए लोन पेयर। लोन पेयर कौन दे रहा है ये मालूम है? कहोगे कौन दे रहा है सर, अरे भाई लोन पेयर कौन दे रहा है, अमोनिया। तो यहां से 3d मिटाल दो, ये 6 लोन पेयर 6 अमोनिया ने दिए, 6 जगह अमोनिया आ जाएगा, NS3 कितनी जगह आ जाएगा, 6 जगह पर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जरा देखो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन कैसा रह गया, अनपेयर्ड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है पैरामैग्नेटिक। सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेयर अप कर जाएं तो डायमैग्नेटिक, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन ऐसा रह गया जिनने पेयर नहीं किया तो पैरामैग्नेटिक। तो आपने देखा VBD थ्योरी मैंने इसको पूरी अप्लाई करी, और अप्लाई करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गया, तो इसकी नेचर कैसी हुई, पैरामैग्नेटिक, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो ये पैरामैग्नेटिक है, आंसर है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। ये पूरी डिटेल VBT की आपको लिखना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है इसलिए कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक, अब बात रही ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, डायमैग्नेटिक। तो ये वाला तो आपने नोट कर लिया है, उम्मीद है, नहीं किया तो कर लो जरा। अब देखो कॉम्प्लेक्स क्या है, NiCN4-2-, अब ये कैसा है, डायमैग्नेटिक। चलते हैं NiCN4-2-, ये है डायमैग्नेटिक। क्यों है ये, VBT थ्योरी से साबित करना है, अभी करते हैं, पहले इसे मिटाल देते हैं जिससे आपस में इंटरफेयर ना करें एक दूसरे को, ये डिस्टर्ब ना करें।
चलिए भाई शुरू कर रहे हैं। एनआई का नंबर प्यारे बच्चों 28, बोलो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो एनआई का, निकाल लोगे एनआई का एक्स 4cn का -4, ऊपर है -2, एक्स इक्वल टू +2, तो एनआई का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 2 आ गया, तो एनआई +2 वाला है। अगर ये +2 है तो ये हो गया 4s0 3d8। अब डायग्राम बनाओ 3d का, 4s का, 4p का, 4d का, ये क्या है 3d, 4s, 4p, 4d। लिगेंड कितने हैं 4, और कैसे हैं स्ट्रॉन्ग, 4 लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा dsp2, आपको मालूम है ना, 4 लिगेंड और स्ट्रॉन्ग हो तो हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होता है, मैंने vvt थ्योरी में बताया हुआ है। तो चले बेटा, डी पर 8 है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयर करके चलो 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा कराना है dsp2, तो ये डी, ये एस और ये p1 और ये p2, चेक करो dsp1 p2। यहां पे लॉन पेयर भर दो, लॉन पेयर कौन दे रहा है आपको यहां पर cn-, तो यहां पर जगह बना लो और लिख दो इस लॉन पेयर का सोर्स है cn- लिगेंड, तो ये cn- लिगेंड हमें लॉन पेयर दे रहा है। अब जरा देखो ये सब जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर अप है, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, ऑल आर पेयर्ड, तो कहीं पर भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसकी नेचर कैसी हो गई डायमैग्नेटिक। ये पूरा डायग्राम बना देंगे और हम लिखेंगे इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप है, कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जिसका पेयर ना बनाओ, तो इसकी नेचर कैसी होगी डायमैग्नेटिक। क्वेश्चन करना उम्मीद है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, बस आपने वीबीटी थ्योरी लगाई और लिगेंड देखे, है ना। अगर वीबीटी थ्योरी लगाओ लिगेंड 6 हो, स्ट्रांग हो तो d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 6 हो और वीक लिगेंड हो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, 4 हो और स्ट्रांग हो तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, 4 हो और वीक लिगेंड हो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन करके वीबीटी थ्योरी लगा लेते हैं, फिर देख लेते हैं अगर इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड अप है या नहीं है। अगर सारे पेयर्ड है तो नेचर हो गई डायमैग्नेटिक, अगर कोई भी अनपेयर्ड है तो नेचर हो गई पैरा मैग्नेटिक। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये हटा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वो नीचे 4 कॉम्प्लेक्स बता रहा है और कह रहा है इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है और क्यों, कह रहा है विच कॉम्प्लेक्स इज मोस्ट स्टेबल, कौन सा कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबल है। हम कह रहे हैं भाई कॉम्प्लेक्स तो बता कौन कौन से हैं। पहला बोलना है Fe H2O 6 + 3, Fe H2O 6 + 3। दूसरा कॉम्प्लेक्स दिया हमने Fe NH3 6, Fe NH3 6 + 3। तीसरा कॉम्प्लेक्स दिया है हमने Fe C2O4 3 - 3 और चौथा दिया है Fe Cl6 - 3। कह रहा है इन 4 कॉम्प्लेक्स में से बताइए कौन सा कॉम्प्लेक्स सबसे स्टेबल है। बेटा चारों कॉम्प्लेक्स को आप देख लो पहले एक बार, देख लिए भाई चारों कॉम्प्लेक्स में से कौन सा सबसे स्टेबल है, इसको कैसे पता करें। देखो बेटा पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि ऐसा देखो कोई ऐसा लिगेंड तो नहीं है जो चीलेटिंग लिगेंड हो, जिस कॉम्प्लेक्स में चीलेटिंग लिगेंड होगा वो कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अगर चीलेटिंग लिगेंड किसी में नहीं है तो फिर स्ट्रांग लिगेंड, और स्ट्रांग लिगेंड को फिर सर्च करते हैं और स्ट्रांग के बाद वीक, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं कौन से,
ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें थीलेटिंग लिगेंड हो, वो नहीं तो जिनमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो। तो अगर हम देखें तो इनमें से चीलेटिंग लिगेंड कौन सा है, तो एक बच्चा बोलेगा चीलेटिंग लिगेंड क्या होता है, याद करो मैंने बताया था अगर कोई लिगेंड बाइडेंटेड है, देखो याद करो इथाइलिन डायमीन, तो जब वो किसी मेटल से जुड़ेगा तो उसके जुड़ने पर रिंग बन जाएगी, रिंग बनने से कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे लिगेंड को चीलेटिंग लिगेंड, उस कंपाउंड को चीलेट और स्टेबिलिटी बढ़ने को चीलेटिंग इफेक्ट कहते हैं। तो अगर आप इसमें से ध्यान से देखें तो देखो C2O4 चीलेटिंग लिगेंड है, कैसे देखना जरा, C2O4 होल थ्राइस लिखा है, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये मोनोडेंटेड है, ये मोनोडेंटेड है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है। चीलेटिंग लिगेंड हमेशा बाइडेंटेड या उससे ऊपर के डेंटेड होते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड कभी भी चीलेटिंग लिगेंड नहीं होगा। चीलेटिंग लिगेंड कौन होगा, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड, हेक्साडेंटेड से ऊपर कोई डेंट होता नहीं है। तो चीलेटिंग लिगेंड बाई से लेकर हेक्साडेंटेड तक के लिगेंड होते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड होते ही नहीं है। तो ये तीनों तो मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये वीक है, ये स्ट्रांग है, ये वीक है, इन्हें छोड़ दो। अब ये बचा, अब आप कहोगे ये कैसे है चीलेटिंग लिगेंड, देखो जरा Fe C2O4 रहना है, देखो बेटा C2O4 जो होता है ये होता है C2O4-2 लिगेंड, ये होता है C2O4 को आप लिखेंगे C00-C00-, है ना। अब ये दो लॉन पेयर देगा और ये दो लॉन पेयर देके किससे जुड़ेगा, Fe से, इसके जुड़ने से क्या बन जाएगी, रिंग, रिंग बनने से ये लिगेंड कहलाएगा चीलेटिंग लिगेंड, ये कंपाउंड कहलाएगा चीलेट और ये स्टेबिलिटी बढ़ाना कहलाएगा चीलेटिंग इफेक्ट। तो आपके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या है, Fe C2O4 होल थ्राइस -3। तो आपके में C2O4 यानी ये वाला लिगेंड जो है बाइडेंटेड, ये एक नहीं है, कितने हैं, तीन, तो तीन बार ये आपको बाइडेंटेड लिगेंड मिलेंगे, कितने, तीन, तो तीन बार आपकी रिंग बनेगी और तीन बार स्टेबिलिटी बढ़ेगी। पहला C2O4 आएगा, एक रिंग बनाएगा, फिर दूसरा C2O4 आएगा, दूसरी रिंग बनेगी, फिर तीसरा C2O4 आएगा, तीसरी रिंग बनेगी। इस तरीके से इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी तीन बार बढ़ेगी क्योंकि इसमें तीन बार C2O4-2 लिगेंड इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये कंपाउंड बेहद स्टेबल होगा। तो इसका आंसर हुआ Fe C2O4 होल थ्राइस -3, सबसे ज्यादा स्टेबल है और वजह है चीलेटिंग इफेक्ट। तो प्यारे बच्चों मैं पूर्ण उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल था और उसके पीछे कारण क्या था। सबसे ज्यादा स्टेबल था Fe C2O4 होल थ्राइस -3 और उसके पीछे कारण ये था C2O4-2 लिगेंड जो इसके अंदर मौजूद है वो तीन तीन है और ये बाइडेंटेड लिगेंड है और इनके जुड़ने पर रिंग बनेगी और चीलेटिंग इफेक्ट काम करेगा जिससे स्टेबिलिटी कई गुना बढ़ जाएगी। मुझे उम्मीद है ये दोनों एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको अल्ट्रा क्लियर हुए होंगे जो इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किए हैं। फिर मुलाकात होगी नए क्वेश्चन के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।